हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और यहां पे देख सकते हैं सेल्स की एक एंट्री मैंने पास कर रखी है, 2 मई 2019 की एंट्री है ये, और इसे मैंने सेव भी करा रखा है। यहां पर कीबोर्ड हमने सेल किया है और 4 पीसेस कीबोर्ड को सेल किया है, 300 रुपए प्रति कीबोर्ड के हिसाब से प्राइस है और कुल मिला के 1200 हुआ है। उसके पास सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे लग गया है। अब हम ये चाहते हैं ना कि जब हम पहला बिल प्रिंट करें तो ओरिजिनल बिल जो प्रिंट करें पहला वाला, तो उस पे ओरिजिनल इनवॉइस या ओरिजिनल बिल इस कुछ इस तरह से लिख करके आए, ठीक है। और अगर दूसरा बिल प्रिंट करते हैं तो उसमें कुछ भी लिख के ना आए या डुप्लीकेट लिख कर आए, ठीक है। तो पहले वाले पे ओरिजिनल कैसे आएगा ये चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अल्ट के साथ पी प्रेस करना है जो हर बार मैं बताता हूं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। और फिर यहां से आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहां से जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे तो यहां ऊपर दिख रहा होगा आपको शो मोर, इस पर क्लिक कर दीजिए तो पूरा का पूरा ये खुल जाएगा, काफी बड़ा है देख सकते हैं आप। अब हमें कहां जाना है, हमें जाना है यहां पे देख सकते हैं सेट नंबर ऑफ कॉपीज फॉर प्रिंटिंग, तो यहां वैल्यू एग्जिस्ट दिया हुआ है। और यहां पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो मैंने यहां 3 दे दिया है, आपके में यहां पे 1 आ रहा होगा, ठीक है। यहां पे लिखा होगा 1, इस तरह से आपके में दिखेगा, ठीक है। तो एक ही कॉपी प्रिंट होगी और जब इसको आप प्रिंट करेंगे, देखिए मैं कंट्रोल ए से सेव करके दिखाता हूं, यहां पे आते हैं और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ऊपर ओरिजिनल इनवॉइस या इस तरह की चीजें लिख करके नहीं आएंगे। यहां पे प्रीव्यू मैं दिखा भी देता हूं आपको, यहां पे देखिए इसमें कहीं भी ओरिजिनल इनवॉइस लिख करके नहीं आ रहा है। लेकिन ओरिजिनल इनवॉइस कैसे लिख करके आएगा उसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं और यहां पर आ जाते हैं कॉन्फिग्रेशन में और फिर यहां पर शो मोर पे क्लिक कर देते हैं तो फिर यहां पर आता है सेट नंबर ऑफ कॉपीज फॉर प्रिंटिंग वाउचर्स, तो यहां पर डबल क्लिक कर दीजिए और यहां पर जितने भी आपकी आपको कॉपीज प्रिंट करनी हो, जैसे 2, 3, 4, 5, जैसे मान लीजिए हमें 3 प्रिंट करनी है तो ये 3 कर दिया, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, फिर एक बार और कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, ठीक है। और यहां ऑल्ट के साथ पी प्रेस कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ऑल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो यहां पर अब एंटर प्रेस करता हूं मैं और यहां से प्रीव्यू करता हूं इसको, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल इन ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट ये लिख करके आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ओरिजिनल वाला ऑप्शन कैसे प्रिंट होकर आएगा।